दोस्तों आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या आप इन गंदी वीडियोस को छोड़ के क्या क्या फायदे ले सकते हो अपनी लाइफ में? क्या होगा अगर तुम इन बार्बी डॉल्स की फिल्में देखना छोड़ दो? क्या होगा अगर तुम इनके हुस्न के मोहताज न बनो? क्या होगा अगर 30 दिनों तक इनको देखना पूरी तरह से छोड़ दो? मैं बताता हूँ क्या होगा। तुम्हारी बॉडी वीर्य बनाना बंद कर देगी, तुम बीमार पड़ जाओगे, लोग तुम्हें मीठा बोलना शुरू कर देंगे। ऐसी ही कई सारी बकवास बातें हमारे दिमाग में तब आती है जब हम ये सोचते हैं कि आपसे गंदी फिल्में नहीं देखूंगा। पर क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? आज हमारे आसपास की दुनिया में गंदी वेब सीरीज और गंदी मूवीज के जरिए गंदगी को एक आम बात बनाने की कोशिश की जाती है। एक और लड़कियों के लिए सोशल मीडिया पे गंदी हरकतें करना आम बात है, तो दूसरी ओर लड़कों के लिए बात बात पे माँ बहन की गाली देना कूल समझा जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप खुद को गंदी फिल्मों से दूर भी रखना चाहोगे तो कोई ना कोई तो आपके सामने आके आपके अंदर अपनी बातों के जरिए या फिर व्हाट्सएप वीडियो के जरिए वासना की चिंगारी जला देगा। और अगर एक बार वासना जल गई तो फिर आपका हाथ खुद को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। आज हम सोशल मीडिया से ऐसे घिरे हुए हैं जैसे महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया था, और उसके साथ क्या हुआ था ये तो आपको पता ही है। तो ये कहानी है अंकुश और पीयूष की, ये रियल कहानी है। दोनों भाई भाई थे, यानी पीयूष उसके अंकल का लड़का था जो शहर में रहता था और अंकुश गांव में रहता था। दोनों की उम्र 17 साल की थी। दोनों के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, किसी तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी क्योंकि दोनों स्कूल में पढ़ते थे। बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि अंकुश गांव के स्कूल में था और पीयूष शहर की इंग्लिश मीडियम स्कूल में था। दोनों पढ़ाई के मामले में अच्छे थे, दिमाग तेज था क्योंकि नौजवान थे। कहानी घटित होती है स्कूल से। गांव के स्कूल का माहौल संस्कारी टाइप का होता था और शहरों के स्कूल मॉडर्न टाइप के होते हैं। अंकुश रोज गांव के स्कूल में जाता था और वो स्कूल बहुत संस्कारी था क्योंकि वहां पे ब्रह्मचर्य को महत्व दिया जाता था। तो अंकुश का जीवन तो ब्रह्मचर्य की वजह से बदल गया। पर प्रॉब्लम हुई तो पीयूष के साथ, जिसके स्कूल में लड़कियां स्कर्ट वाली ड्रेस पहन के आती थी और फीमेल टीचर्स भी होट हुआ करती थी। अब मैं तुम्हें बता दूं कि वासना नाम का राक्षस किसी भी नौजवान को नहीं छोड़ता है, इसी तरह पीयूष को भी वासना की आग ने घेर लिया। अब पीयूष के पास मोबाइल नहीं था तो सीधी सी बात है कि वो क्लास की लड़कियां और टीचर्स को देख के अपने दिल को सहलाता था और स्कूल टॉयलेट में जाके मैथुन कर लिया करता था। धीरे धीरे उसे ये आदत रोज की लग गई और कभी कभी क्लास में ही टीचर को देख के उसका पेंट गीला हो जाता था। एक दिन पीयूष के दोस्तों ने उससे पूछा कि ये पेंट गीला क्यों है, तो पीयूष ने बात को ये कह के टाल दिया कि पानी गिर गया था। फिर कुछ महीनों के बाद पीयूष को क्लास में मैथुन करने की बहुत तेजी से तलब लगी और उसने कहा कि मैम आई गो टू टॉयलेट। मैम ने कहा जाओ। उस दिन पीयूष के साथ कुछ ऐसा हुआ कि बॉयज टॉयलेट में कुछ सफाई का काम चल रहा था और पीयूष लड़कियों की टॉयलेट में घुस गया और वहाँ पे मैथुन करने लगा। इतने में अचानक से वही क्लास टीचर उस टॉयलेट में आ गई और पीयूष से रहा नहीं गया, वो टीचर के साथ जबरदस्ती करने लगा। टीचर ने पीयूष को जोर से धक्का दिया और पीयूष के सिर पे लगने से उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया और उसने टीचर का क्या हाल किया वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। पर इस कहानी से ये साबित होता है कि मैथुन की ये आदत तुम्हें बर्बाद कर सकती है, क्योंकि उसका जो गांव वाला भाई था अंकुश, उसने ब्रह्मचर्य को फॉलो किया और आज वो आईपीएस है और पीयूष को आज एक पागल खाने में एडमिट कर दिया है। अंकुश को भी वासना ने काबू किया था, पर उसने सिर्फ 5 टिप्स को समझा जो इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस गंदी लत को किसी भी तरह से छोड़ दे तो हमें इससे क्या फायदा होगा? दोस्तों सच कहूं, अगर एक बार गंदी चीजें हमारी जिंदगी से बाहर चली गई तो हम एक नई दुनिया देख पाएंगे जिसके बारे में मैं आपको शब्दों में नहीं समझा सकता, क्योंकि ये चीजें आपकी कल्पना से भी ऊपर है। वैसे गंदी चीजों को क्विट करने के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताऊंगा जो साइंस बेस्ड है, जो पूरी रिसर्च से निकाले गए हैं, जो 100% रियल है और आपकी डे टू डे लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो अब यहाँ से आगे का वीडियो ध्यान से देखना। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। तुम्हें शायद ये तो पता ही होगा कि पहले के जमाने में लोग हजारों सालों तक तपस्या किया करते थे। फिर कुछ हजारों सालों पहले की बात करें तो बात आती है हमारे पूर्वजों की, जो आखिरी दम तक एक हेल्थी लाइफ जीते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके जमाने में ये गंदी फिल्में या तो होती नहीं थी या फिर इतनी आसानी से उन तक पहुंचती नहीं थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं जवान था तब मेरे कुछ दोस्त अपने मुंह पे रुमाल बांध के थिएटर में गंदी फिल्में देखने जाते थे। यानी कि उस जमाने में गंदी मूवीज बनती तो थी पर लोगों तक इतनी आसानी से पहुंचती नहीं थी और ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में रोमांटिक सीन होते थे। पर आज तो पैर से लेके सर तक पूरे कपड़े निकाल के फेंक दिए जाते हैं और अलीबाबा का गेम दिखाया जाता है। फिर जब सीडी और डीवीडी आई तो लोगों के लिए अपने ही घर पे बैठ के ये सब वाहियात गंदगी देखना आसान हो गया और स्मार्टफोन आने तक लोगों की इसकी लत लग चुकी थी। लेकिन वही अगर दूसरी ओर देखे तो इस आसानी से मिलने वाले कचरे की वजह से आज की हमारी यंग जनरेशन अक्सर डिप्रेस्ड रहती है, कंफ्यूज रहती है, लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन वही जिन लोगों ने कभी ये गंदी चीजें नहीं देखी या फिर एक लंबे समय से देखना छोड़ चुके हैं, वो आज एक हेल्थी लाइफ जी रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो आपको इंटरनेट पे काफी सारे लोग मिलेंगे जो ये दावा करेंगे कि जब से उन्होंने गंदे वाले वीडियो देखना छोड़ा है तब से उनकी लाइफ और उनकी हेल्थ काफी बेहतर हो गई है और आपको इंटरनेट पे जाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हमारे वीडियोस का कमेंट सेक्शन देख लोगे तो भी आपको ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे जो
आज अपनी हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, खुद पे भरोसा बढ़ जाता है। अगर आप गंदी वीडियोस को देखना छोड़ते हैं तो आपका खुद पे भरोसा बढ़ जाता है। देखो, मोटिवेशनल वीडियो देख के अक्सर हमें ये फील होता है जैसे कि हम भी झंडे गाड़ देंगे, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ेंगे, दुनिया को करके दिखाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो सारा मोटिवेशन भाप बन के हवा में ऐसे उड़ जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। एक पल में खुद को द ग्रेट खली समझने वाले अगले ही पल अंदर से एकदम खाली हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद पे भरोसा ही नहीं कर पाते। तुम खुद अपनी लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करके देखो। अगर तुम भी गंदी फिल्में देख के हिलाने के आदि हो तो ये चीज तुम्हारे साथ काफी बार हो चुकी होगी। तुमने भी तो कई बार मनी मोटिवेशन की वीडियो देख के ये सोचा होगा कि यार मैं भी महीने के 1,00,000 रुपए कमा सकता हूँ, पर तभी अंदर से आवाज आती है कि रहने दे भाई, तुझसे एक हिलाने की आदत तो छूट नहीं रही, तो महीने का 1,00,000 क्या खाक कमाएगा। देखो यार, खुद पे भरोसा करने के लिए विश्वास अंदर से आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब तुम गंदी फिल्मों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा बोल दोगे। अगली चीज है, वुमेन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। हमारे देश में स्त्रियों को देवी माना जाता है, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये गंदी फिल्में देखने के बाद महिलाओं को लेके काफी सारे लोगों का नजरिया बदल गया है? छोटे छोटे बच्चे भी अब अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों को दीदी बुलाने के बदले माल बुलाते हैं, आंटियों को बिग फिगर वाली आंटी बुलाते हैं। आज सड़क पे चल रही हर लड़की को देख के लोग उसमें एक गंदा इमेजिन करने लगते हैं, फिर चाहे वो लड़की किसी अच्छे घर की क्यों ना हो, उसे लोग गंदे नजरिए से ही देखते हैं। इन गंदी फिल्मों का सबसे खराब असर होता है छोटे छोटे बच्चों पे, जिन्हें ये तक नहीं पता कि फिजिकल रिलेशन किसके साथ बनाना चाहिए और किसके साथ नहीं। अक्सर बच्चे ऐसी गंदी फिल्में देख के किसी भी लड़की या औरत के बारे में गंदी चीजें इमेजिन करने लगते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब खुद के कजिन्स को भी ये लोग गंदी नजरों से देखते हैं। ऐसे कई सारे किस्से मेरे ख्याल से आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे या सुने होंगे। जरा सोच के देखो भाई, ये कैसी जिंदगी तुम जी रहे हो। हर दूसरी लड़की को देख के तुम्हें ऑर्गेज्म होने लगता है, फिर चाहे वो लड़की कोई छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। कभी कभी तो टीनेजर छोटी बच्चियों को इमेजिन करके भी गलत कर लेते हैं और फिर बाद में खुद को ही कोसते हैं। पर एक डार्क फैक्ट बताता हूँ आपको, जब आप ये हरकतें रेगुलर करते हो तो आपको अपने आप से शर्म आनी बंद हो जाती है और फिर ऐसी चीजें आपके लिए कॉमन हो जाती है। अगली चीज है, क्रिएटिविटी को सही डायरेक्शन मिलेगी। देखिए, विज्ञान के हिसाब से एक एवरेज इंसान को दिन में करीब 60,000 जितने विचार आते हैं, जिसमें से 95% रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं और करीब 75% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। देखो, इंसानी दिमाग नेचर का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है जिसमें इन्फिनाइट पावर्स है। दिमाग का काम करने का तरीका सिंपल है, जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हैं वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है। आप अपने दिमाग से हर वो चीज क्रिएट कर सकते हो जो अब तक इस दुनिया में बनी भी नहीं, और यही दिमाग की असली पावर है। पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम्हारा दिमाग गंदा वीडियो देखने के बाद गंदे विचारों से घिर जाता है। देखो, बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, जो लोग अपना ध्यान गंदी वीडियो से हटा के किसी सही डायरेक्शन पे लगा देते हैं वो आगे जाके बाहुबली बन जाते हैं। अगली चीज है, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है। जब टाटा मोटर्स लॉस कर रही थी तो रतन टाटा ने अपने पैसेंजर्स कार बिजनेस बेचने का फैसला कर लिया, और फिर इसी डील को करने के लिए उन्होंने फोर्ड कंपनी से बात की। जब फाइनल डील के लिए रतन टाटा सर फोर्ड के एग्जीक्यूटिव से मिले तो उन्होंने ये बोल के रतन टाटा का मजाक उड़ाया कि अगर कार बनानी नहीं आती तो इस बिजनेस में क्यों आए हो। तब रतन टाटा सर ने वो डील कैंसिल कर दी और अपना पूरा फोकस पैसेंजर्स कार बिजनेस को इंप्रूव करने में लगा दिया। कुछ सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि फोर्ड लॉस में जा रही थी और फोर्ड कंपनी आज हमारे इंडिया में नहीं है, और इससे बचने के लिए उन्होंने रतन टाटा सर से मदद मांगी। फिर रतन टाटा ने फोर्ड की दो ब्रांड जेगुआर और लैंड रोवर, इन दोनों को खरीद के अपनी इंसल्ट का बदला ले लिया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि रतन टाटा सर की डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग थी, और मैं उसी डिसीजन पावर की बात कर रहा हूँ। अगर तुम अपने डिसीजन लेने की पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो गंदे कॉन्टेंट को सिर्फ अपने फोन से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से निकाल दो। मेरी ये सब बातें सुन के तुम अब जरूर सोच रहे होंगे कि यार मैं भी अब इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ, पर इसके लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इसका कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए तुम्हारी इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर देते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने से तुम आसानी से इन गंदी चीजों के दलदल से बाहर आ जाओगे। नंबर 1, ब्रेक द साइकिल। तुम बार बार मैथुन छोड़ने की कोशिश करते हो और बार बार इस लत का शिकार बन जाते हो, इससे एक कंटिन्यूस साइकिल बनती है। सबसे पहले इसे तोड़ना जरूरी है, तो अब ध्यान से सुनो क्या करना है। पहले 5 दिन के लिए गंदी फिल्में देखना छोड़ दो, 5 दिन के बाद बस 10 सेकंड के लिए कोई छोटा सा क्लिप देख के बंद कर दो, फिर अगले 7 दिन के लिए यही प्रोसेस ट्राई करो, और फिर 7 दिन के बाद 5 सेकंड का क्लिप देखो। ऐसे ही 2-2 दिन बढ़ाते जाना है और फिर धीरे धीरे तुम इस गंदी आदत से बाहर आ जाओगे। टिप नंबर 2, ब्रीथिंग। जब भी दिमाग में गंदा ख्याल आए, आंख बंद करके गहरी सांस लेना शुरू करो और ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे शरीर में एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जैसे ही तुम्हारा ध्यान नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तुम्हारे अंदर की वो गंदी इच्छा खत्म हो जाएगी। टिप नंबर 3, खुद को हमेशा बिजी रखो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए दिमाग को कोई ना कोई काम दो और साथ में रोज मेडिटेशन करने की भी कोशिश करो। मेडिटेशन से तुम अपने ख्यालों को और अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। टिप नंबर 4, रिलेशनशिप में पढ़ने के ख्याल छोड़ दो। जवानी में आते ही दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है गर्लफ्रेंड बनाने का, और बस यही से तुम्हारे दोस्त या आसपास के लोग तुम्हें गंदी चीजें
चीजें देखने की लत लगा देते हैं। इसीलिए जब तक 21 साल के ना हो जाओ और एक अच्छा करियर सेट ना कर लो, तब तक ड्रीम गर्ल को ड्रीम ही रहने दो। याद रखना, बेवकूफ लोग गलती करने के बाद 10 बार सोचते हैं कि अब क्या करूं, और स्मार्ट लोग गलती करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि ये गलती करूं या ना करूं। टिप नंबर 5, अपने नीचे वाले पार्ट को बार बार हाथ लगाना छोड़ दो। अगर कोई हल्का सा गंदा विचार आने के बाद तुम्हारा हाथ अपने आप ही नीचे चला जाता है तो ये इस बात का साइन है कि तुम बस बर्बाद होने की कगार पे हो। देखो, एक बात को क्लियरली समझ लो, अगर हिलाने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हो तो सिर्फ गंदे फिल्में देखने से या फिर हिलाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम जब भी अपना नीचे वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए सहलाओगे तो अपने आप ही उसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा। और अगर तुम किसी पब्लिक प्लेस में हो और पानी तुम्हारी पैंट से बाहर आ गया तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अपने छोटे नवाब के साथ गुटरगू करना छोड़ दो। जवानी जिंदगी का वो मौसम है जिसकी सौगंध लेने के लिए हर कोई बेकरार होता है, लेकिन कई बार अक्सर लेक ऑफ नॉलेज की वजह से जवानी की हवा हमें बहा के ले जाती है और फिर हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो इससे पहले कि जवानी की ये लहर तुम्हें बहुत दूर लेके जाए, अभी भी वक्त है। जाग जाओ और सही डिसीजन लो। गंदे कंटेंट की दुनिया छोड़ने से सिर्फ एक बार दुख होगा, पर अगर नहीं छोड़ा तो जिंदगी भर के लिए रोना पड़ेगा। तो ये वीडियो हर किसी को शेयर करो, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करो। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।